बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और हम डे वन से कह रहे हैं कहीं ना कहीं जीन चुनाव के लिए तो उन्होंने ये जीन चुनाव के लिए और बीजेपी की थ्योरी को भी ये क्लियर कर देता है भाई हम चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट बाई अ स्टेट हेड और जो इतनी रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो वही अगर ऐसी बात करेगा तो लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से प्रजातंत्र से भारतीय जनता पार्टी से और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उठ जाए। एक देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये कहा है कि प्यार जंग और चुनाव में सब कुछ जायज है तो पहली बात तो प्यार की बात जहां तक है तो मुख्यमंत्री को क्या पता भाई प्यार का, पहली बात तो ये। अरे कोई छुपा रखा है प्यार तो हरियाणा के लोगों को तो पता होना चाहिए कि भाई कौन से प्यार की बात कर रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री साहब ने कौन सा कारगिल में जंग लड़ाए कि कारगिल में जंग लड़काए उनको पता है, इनको चुनाव का जरूर पता है कि हाँ ये चुनाव में सब कुछ जरूर करते हैं। चुनाव के लिए दंगे करवाने हो जातिगत दंगे करवा देंगे, चुनाव के लिए ईवीएम में गड़बड़ करानी हो वो करवा देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। मैंने पहले भी कहा था इन जो दुनिया का सबसे गंदा काम हो सकता है वो ये करवा सकते हैं और ये मुख्यमंत्री जी ने खुद मान लिया है। इसका मतलब गड़बड़ हुई है, इसका मतलब चुनाव आगे आने वाले चुनाव में भी ये संभावना है कि ये पूरी तरह से गड़बड़ करवाएंगे क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जब खुद कह रहा है और ये अभी चुनाव हुआ जींद में तो वहां पे भी हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि चुनाव में सब कुछ जायज है तो प्यार और जंग की एक मुहावरा, लेकिन ये तो प्यार और जंग मुख्यमंत्री का तो कोई लेना देना है ही नहीं, उस चीज से भी नहीं लेना देना है उसको, उनको पता ही नहीं होना चाहिए इस चीज का तो, और पता है तो बताना चाहिए। लेकिन चुनाव के लिए जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे राजनीति ये कर सकते हैं, इससे इन्होंने प्रूव कर दिया है। ये ईवीएम में भी गड़बड़ करा सकते हैं, धनबल बाहुबल जो इनकी इच्छा वो कर सकते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग को हिम्मत दिखानी चाहिए। ये नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी कुछ कहे तो उसके ऊपर एक्शन, और अगर बीजेपी के लोग कहते हैं तो कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री की ये हिम्मत कैसे होगी कहने की। अगर ये हिम्मत हुई है तो अब चुनाव आयोग अपनी हिम्मत दिखाए। उन्होंने किस संदर्भ में बात कही है ये संदर्भ जाने बगैर इस बात के ऊपर टिप्पणी नहीं हो सकती, क्योंकि अलग कई बार व्यक्ति कोई बात किसी संदर्भ में कहता है और उससे कोई अलग अर्थ निकाले जाए मुझे लगता है कहीं उचित नहीं होता है। सब कुछ राजनीति के अंदर जब जनता के बीच में जाते हैं जनता से वोट लेते हैं तो उनसे हर तरह की बात जंग का मतलब होता है, उनसे स्नेह करवाना और लोगों को तैयार करें अपने पक्ष में वोट डलवा।